Good morning, students. In our last two lectures, we have started the section 2 of unit 2, that is Kailash Satyarthi, the man on a mission. हमने पढ़ा था इनके बारे में बेटा कि ये एक नॉर्मल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था. उसके बाद इन्होंने नॉर्मल अपब्रिंगिंग लाइफ मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी इनकी अपब्रिंगिंग. देन इनका नेचर दिखा बताया था कि ही वॉज़ वेरी डिफरेंट. वो बचपन से ही अलग थे, उनकी सोच अलग थी, वो किसी का बुरा और दुख नहीं देख सकते थे. फिर उन्होंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया था जो कि उन्होंने अपने स्कूल के फर्स्ट डे के दिन कॉबलर और उनके बेटे को देखा था और उनके लिए रिल फील किया था. और उसी से उन्हीं के लिए उन्होंने अपने टीचर से पूछा था कि ऐसा क्यों है कि हम सिमिलर नहीं हैं. तो वो बहुत उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया था टीचर ने, उनको डांट दिया था और इंस्ट्रक्ट किया था कि क्लास में अटेंटिव रहो, ये मत देखो बाहर क्या हो रहा है. कैलाश का नेचर, जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिटिव था, मीन्स क्यूरियस था. वो जानना चाहते थे कि उन बार बार वही क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा था. देन उन्होंने अपने मास्टर हेडमास्टर से पूछा जो कि उनकी फैमिली के नॉन थे. तो उन्होंने कहा कि ये वेरी बहुत ही नॉर्मल सी बात है, गरीब हैं इसलिए उनके वो स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें वही काम करना पड़ रहा है और काम करके ही वो अपना गुजारा कर सकते हैं. लेकिन उनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था. तो फिर उन्होंने एक दिन हिम्मत करके कॉबलर से ही पूछा कि क्या आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं पूछते. तो कॉबलर ने कहा कि हम, मेरे फादर कॉबलर थे, मैं भी कॉबलर हूँ, ये भी कॉबलर होगा, हमें कमाने के लिए काम करना पड़ता है. एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद वो लगातार उस बच्चे को देखते थे. उनका माइंड सारा दिन उन्हीं को देखने में उनके लिए परेशान रहता था. एक दिन उन्होंने देखा कि वो लंच के लिए गया, उन्होंने कॉबलर अपने बेटे को मार रहा था. तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे को क्यों मार रही हो. तो उसने कहा कि बारिश का मौसम, मैंने बोला था कि बारिश आ सकती है, मैंने इसको प्लास्टिक शीट दी थी तो इससे शूज़ को कवर करना, लेकिन इसने खुद को कवर कर लिया और ख़ुद को बचाया ना कि शूज़ कब में, ये लेदर के शूज़ में ख़राब हो जाएंगे, अब मैं इसका लॉस कहाँ से भरूँगा, क्लाइंट्स को कहाँ से दूँगा, इसके कस्टमर को लेदर शूज़ वापस इतने महंगे. कैलाश सोच के शौक हो गए थे कि एक तो मेरे तो भाई ने मुझे रेनकोट ला के दिया, अम्ब्रेला ला के दी, मेरे पास सब चीज़ें हैं, और एक ये हैं जो इसके फादर इनको इसके लिए ज़रा भी नहीं सोच रहे अपने बेटे के लिए कि भीग रहा है बारिश में. इवन वो किस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, अपने कस्टमर के शूज़ के बारे में. फिर कैलाश ने अपना शू जो इनका अम्ब्रेला था बिना सोचे ही उनको दे दिया, उनके बेटे को, कॉबलर के बेटे को. सो दिस मोमेंट मूव कैलाश टू द कोर. ये उनके बारे में बताता है कि वो किस तरह के इंसान थे, बहुत ही अलग थे, उनका मन बहुत ही हर्ट. कैलाश ऑलवेज फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट ऑल द चिल्ड्रन आर बॉर्न इक्वल एंड देयरफॉर हैव द इक्वल राइट टू लीड अ गुड लाइफ. कैलाश हमेशा से यही सोचते थे कि सभी बच्चे बराबर जन्म लेते हैं, बराबर ही उनको लाइफ जीने का अधिकार होता है. दैट इज़ वॉट ही हैड टू से इन हिज नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच. गीता जो उन्होंने बताया था अपने किसवें नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच में क्या कहा था कि फ्रेंड्स द नोबेल कमेटी हैज़ जेनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर. कि नोबेल कमेटी ने मुझे इनवाइट किया था लेक्चर देने के लिए, रिस्पेक्टफुली आई एम अनएबल टू डू दैट. लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली उनका ये जो लेक्चर था वो नहीं कर पाया बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. मैं अब भी उस चीज़ को तलाश कर रहा हूँ, उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को सफरिंग्स ना करनी पड़े. द क्राई ऑफ इनोसेंस, उन्हीं बच्चों की रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें जिनको सफ़र करना पड़ता है. एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और उस चेहरे को जो किसी को दिखाई नहीं देता उन बच्चों का. आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड. मैं उन मिलियंस ऑफ बच्चों को, इतने लाखों बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि पीछे रह गए हैं. दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर. इसलिए मैं यहाँ पे अपनी चेयर को खाली छोड़ के रखता हूँ ताकि उस हर बार जब भी वो खाली चेयर देखे उन उस चीज़ की याद दिलाए कि उनका एक लाइफ में मिशन है, उन्हें बच्चों के लिए काम करना है. आई हैव कम हेयर ओनली टू शेयर द व्यूज़ एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. मैं सिर्फ यहाँ पे आया अपने बच्चों के ड्रीम्स और उनकी आवाज़ों को आप लोगों से शेयर करना, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि सभी हमारे ही बच्चे हैं.
आई हैव लुक इन टू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज, मैं उनकी डरी हुई सहमी हुई आँखों में देख सकता हूँ जो कि बहुत थकी हुई हैं। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज, मैं उनकी उन बॉडीज को देख सकता हूँ जिस पर उनको चोट लगी हुई है, एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट, उनके टूटे हुए दिल को महसूस कर सकता हूँ। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट, मेरा जिंदगी में सिर्फ एक ही एम है, क्या है, एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड, कि हर बच्चा फ्री होके बच्चे की जिंदगी जिए, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री होके मतलब अपनी इच्छा से अपने अधिकार से बिल्कुल आज़ाद हो के बड़ा हो सके, बढ़ सके, अपनी मर्जी से खा सके, सो सके, एंड सी डे लाइट, दिन में अपनी मर्जी से जी सके, फ्री टू लाफ एंड क्राई, अपनी मर्जी से हंस और रो सके, फ्री टू प्ले एंड लर्न, अपनी मर्जी से ही खेल सके और कुछ सीख सके, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल गो स्कूल, भी अपनी मर्जी से जाने का उसके पास पूरा राइट हो, और ये सब जो मैंने अभी बताया, फ्री टू ड्रीम और सपने देखने का भी उनको पूरा अधिकार हो। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मैनी करेजियस पीपल, मुझे किस चीज़ का ऑनर मिला, किस चीज़ का मुझे उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका अपॉर्चुनिटी मिली, सम्मान मिला, एक ऑनर मिला कि मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ काम कर सकूं जिनका एम भी लाइफ में यही है। वी हैव नेवर गिवन अप बिकॉज ऑफ एनी थ्रेट और अटैक और एनी ग्लैमर, हम कभी भी नहीं रुके, कभी नहीं हार मानी किसी भी धमकी या किसी भी अटैक से जो हम पे हुए, या हमें कभी डराया गया कि ऐसे मत करो, नहीं तो इसको बंद कर दो, नहीं तो ये होगा, बट हम कभी नहीं रुके और ना ही कभी रुकेंगे। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, अगर हमें इस दुनिया में किसी को असली में शांति का मतलब बताना है, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन, तो हमें बच्चों को देखना चाहिए सबसे पहले, चिल्ड्रन से वो मतलब निकल के आना चाहिए। आई हम्बली ऐड, मैं उनकी बात में एक बात और ऐड करता हूँ, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन, कि दुनिया को एक होकर सबको मिलकर एक बच्चों के लिए वो चीज़ फीलिंग सबके लिए, सबके मन में एक ही फीलिंग आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए, बच्चों के लिए उस चीज़ का दया का भाव आना चाहिए कि बच्चे क्या सफ़र करते हैं, और उनके लिए काम करना चाहिए मिलके। I ask whose children are they who stitch football yet never played with them, मैं पूछता हूँ कौन है वो बच्चे जो फुटबॉल सीलते हैं, स्टिच करते हैं फैक्ट्रीज में जाके, लेकिन कभी उनसे खेलते नहीं हैं। Whose children are they who harvest cocoa, वो बच्चे कौन है जो कोको को प्लांट करते हैं, उगाते हैं, उनकी प्लांटेशन करते हैं, बट येट दे हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, लेकिन उन्होंने कभी चॉकलेट खा के नहीं देखा। Whose children are they who are dying of Ebola, वो बच्चे भी कौन है जो एक इबोला जैसी बीमारी जो कि वायरस की वजह से होती है उससे मरते हैं। Whose children are they who are kidnapped and held hostage, वो बच्चे कौन है जो इनका किडनैप होता है या फिर जिनको बंधक बना के रखा जाता है, hostage क्या होता है बेटा, बंधक बना के रखना, बांध के रखना। They all are our children, वो सब हमारे ही बच्चे हैं। We must be bold and we must be ambitious, we must have the will, हम सबको मजबूत और बोल्ड होना पड़ेगा, मजबूत होना चाहिए, ambitious होना चाहिए, means अपने काम को लेके बिल्कुल ही निष्ठ, बिल्कुल मन जो होता है बिल्कुल पक्का होना चाहिए, उसको लेके बिल्कुल हमारे मन में एक जुनून होना चाहिए। वी मस्ट हैव द विल, और इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने प्रोमिसज को जो हमने वादे किए हैं या हम करना चाहते हैं किसी के लिए वो हम पूरे कर सकें। ओवर 50 years ago, 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के पहले दिन पे, मैं एक कॉबलर से मिला था, कॉबलर के बेटे से मिला था, माई एज मेरी एज का, सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ द स्कूल, जो मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा था। आई आस्क माई टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, कि वो बाहर काम क्यों कर रहा है, वाई इज़ ही नॉट विद अस इन स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, लेकिन मेरे टीचर्स के पास उस बात का कोई आंसर नहीं था। एंड वन डे, एक दिन मैंने हिम्मत करके उसी के फादर से ये बात पूछी, तो उन्होंने बोला कि सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क, कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं पहले, हम तो काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हिज आंसर मेड मी क्राई, उनका जो ये आंसर था उससे मुझे बहुत गुस्सा आया, और इट स्टिल मेक्स मी क्राई, वो मुझे आज भी वो बात उनका आंसर था जो गुस्सा दिलाती है। एज अ चाइल्ड, बच्चे होने के नाते, आई हैड अ विजन फॉर टुमारो, मेरे पास कल का कुछ सपने थे, कुछ करने का मन में जुनून था कि मुझे कुछ करना है, कुछ मन में मैंने अपने लिए कुछ विजन सोचा था कि मुझे ये चीज़ पूरा करना है। ए विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम, क्या विजन था, कि कॉबलर का बच्चा मेरे साथ मेरी क्लास में बैठे। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टूडे, और आज वो जो कल था, जो मैं जिसके बारे में सोचता था, वो आज बन चुका है। आई एम टूडे एंड यू आर टूडे, आप भी आज हैं और मैं भी आज हूँ,
मीन्स आज के टाइम में हम जी रहे हैं, पोजीशन पे जी रहे हैं. टुडे इट इज़ अ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड. और आज का क्या टाइम है? टुडे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टाइम है दैट एवरी चाइल्ड हैव अ राइट टू लाइफ. लाइफ कि हर बच्चे के पास ज़िंदगी जीने का अधिकार है. राइट टू फ्रीडम, आज़ादी से जीने का अधिकार है. राइट टू हेल्थ, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखने का अधिकार है. राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार है. राइट टू सेफ्टी, अपना बचाव करने का अधिकार है. राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वलिटी, एक जगह पाने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है, बराबरी का दर्जा पाने का अधिकार है हर बच्चे में. और राइट टू पीस, और शांति से जीने का भी उन बच्चों को अधिकार है. टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, इस अंधेरे के बावजूद, मीन्स जिसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होती है, ये जो इतना बच्चों की प्रॉब्लम चल रही है, इतना ज़्यादा उनके साथ गलत होने के बावजूद, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स. मैं आज भी उन हंसते हुए बच्चों को, चेहरे को, खुशी से भरे चेहरों को देखता हूँ जिनके लिए मैंने कुछ करा, या जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है मेरी हेल्प से, या जिसके लिए किसी ने भी कुछ करा है. और वो बच्चे जब कुछ बड़ा करके जाते हैं ज़िंदगी में, तो उसके उनके हंसते हुए उस चेहरे को मैं देख के आज भी बहुत ही देखता हूँ और खुश होता हूँ. टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, कि हर समुद्र की हर वो लहर, आई सी माई चिल्ड्रन प्लेइंग एंड डांसिंग, मैं अपने उस बच्चे को खेलता हुआ और कुछ सीखता हुआ, नाचता हुआ, खुश होता हुआ देखता हूँ. टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन, हर प्लांट में, हर पौधे में, हर पेड़ में, हर माउंटेन में, पहाड़ों में, आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, मैं अपने उन बच्चों को आज़ाद रूप में देखता हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं बिल्कुल अपने एक सम्मान के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ. आर यू ऑल क्लियर विद इट स्टूडेंट्स? आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद इट. सो हैव अ रीडिंग विद द चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.